हमारे साथ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी गिरिराज सिंह है। दादा, क्या उम्मीद लग रहा है? उम्मीद जनता पूर्ण रूपेण एकजुट हुई है, जो विकृत सोच के खिलाफ, विकास के गति को रोकने वालों के खिलाफ लोग एकजुट हुए हैं, और मुझे उम्मीद है एक बड़ी जीत होगी। जितने इकट्ठा होंगे इस विकृत सोच के खिलाफ, विकृत राष्ट्रवाद के खिलाफ, बेगूसराय के विकास को रोकने वालों के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं बेगूसराय के लोग, मुझे पूरा विश्वास है कि एक बड़ी जीत होगी हमारी। दादा, लास्ट चुनाव के लास्ट टाइम में पाकिस्तान और कब्र पे आके चुनाव रुक गया, विकास का मुद्दा कहीं दब सा गया। देखिए, हमने क्या रही? मैंने कोई कब्र और विकास का मुद्दा नहीं लाया। कम्युनिस्ट के लोगों ने कहा कि प्रचार में उनके स्टार प्रचारक ने कि हिंदू गाय का मांस खाता, दारू पीता। क्या हिंदू गाय को पूछते हैं गाय का मांस नहीं खाते? किसी से पूछ लीजिए, हिंदू गाय का मांस खाता है क्या? तो उन्होंने कहा गिरिराज सिंह को पाकिस्तान भेज दिया, बेगूसराय को हमको गाली दें, हमारे बाप दादे नाना नानी सबको गाली दिया विपक्ष के उम्मीदवारों ने, हमने कुछ नहीं कहा। लेकिन बेगूसराय को गाली देना कि पाकिस्तान है, ये बेगूसराय का अपमान है। बेगूसराय की धरती विकास की धरती है, धर्म की धरती है, गंगा की धरती है, दिनकर की धरती है, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की धरती है। यहाँ कोई पाकिस्तान बनाना चाहेगा तो बनेगा नहीं, इसीलिए पार्टी ने भेजा है। जो पाकिस्तान बनाने की कोशिश करेगा उसके फंड को कुचल देंगे।